हुक्म एवरीवन, दिस इज मी जाकिर, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा ईद का सेकंड डे है और आज हम आए हुए हैं यहाँ पे फोटो शूट के लिए, क्योंकि ईद के ऊपर फोटो शूट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये हमारा सारा ग्रुप आया हुआ है। हसन भाई, आप यहाँ पे शूट के लिए आए हैं? फोटो शूट के लिए आए हैं भाई? मैं तो मोबाइल लेना है। तो ये मोबाइल किसका है? ये मोबाइल आपका है? और आपके फोटो नहीं बना रहे? अच्छी आ गई, मुंह अच्छा है तो भाई फोटो तो अच्छी आएगी ना यार। भले एक्स में एक्स ले रहे हो तो क्या हुआ? ऐसा है यार, यार हसन भाई आप पैसे बताओगे? आपसे मोबाइल ले जाओ तो यार, आपने बता रहा हूँ 1.5 लाख रुपए मैंने भाइयों के लिए खर्च किया है। यार भाई यार वो फिर तो हसन भाई वो वाला कैसे है? ये किट है चेक कर रहे हैं। ये तो सारी बेइज्जती कर दी 1.5 लाख के। नहीं, जिसको पता नहीं है वो किट बोलता है भाई। ये भाई ये लेकर आया उधार पर, उधार पर ये भी रेंट में मिलने लग गया। हसीब भाई के वालिद का काम है ही, हमें जान पे यार। इनके वालिद साहब बड़े नेक और शरीफ इंसान है हसन भाई। हमारे मामू है इसलिए नहीं, मेरे मामू है इसलिए नहीं है, देखेंगे। बाकी ये हमारे अली भाई माशाल्लाह, हमारे एरिया की मशहूर खूबसूरत तरीन शख्सियत। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल खूबसूरत है, खूबसूरत है ना, दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, एक नंबर। ये सस्ते मुंह के ऊपर सस्ता चश्मा लगा के सस्ते बर्गर लग रहे हैं। तस्वीर वाली अच्छी आई है। और अभी एक है मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। उधर आया उधर चले यार ये। और ये आसिफ भाई हमारे इंस्ट्रक्टर, आसिफ भाई हमारे इंस्ट्रक्टर बने हुए, और ये हमें सारी अभी मस्जिद लोकेशन पे लोकेशन बता रहे हैं। ये दूसरों की गाड़ियों पे बहुत जल्दी हक जमाने वाले शख्स हसन नीनू, चल भाई अपनी गाड़ियों की खुद हिफाजत करें, इतने चोर घूम रहे मेरे भाई। ईद पे फोटो शूट के बहाने गाड़ियां ले जाते हैं। तो अभी हमने फिलहाल अपनी लोकेशन चेंज कर ली है और अभी हमारा यहाँ पे चल रहा है हमारे कुछ बंदों का फोटो शूट इधर। आसिफ भाई क्या कहना चाहोगे? हमारे महल्ले की मशहूर शख्सियत है अलम चन्ना। अभी हमारे महल्ले की मशहूर शख्सियत अलम चन्ना, जिनका यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है, इनसे मिलने के लिए सीढ़ियाँ लगा के बंदा है ना, ईद मिलता है।